अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं। अच्छा, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि शायद जो बॉडी है वो सिर्फ प्रोटीन खाने से, बड़े बड़े डब्बे लेके आने से ही बनती है। तो ये ऐसा एक सच है कि आपको किसी हद तक वो हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आप वर्कआउट नहीं करेंगे, सिर्फ डब्बा लेके आएंगे, प्रोटीन खाएंगे और आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। आपने नेचुरल बॉडी बिल्डर और अननेचुरल बॉडी बिल्डर क्या होता है, जो स्टीराइड यूज़ करते हैं, स्टीराइड किसी भी फॉर्म में हो जाए, लिक्विड में, इंजेक्शन लगाते हैं, टेबलेट खाते हैं, ये लोग अननेचुरल, ये जो चीज़ें हैं, ये आपने इन चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं करना, ये बिल्कुल भी नेचुरल बॉडी बिल्डर नहीं होते हैं। ठीक हो गया, इसके साइड इफेक्ट्स आपको एक आगे चल के पता चलते हैं जब अपनी लाइफ में, तो फिर आपको अफसोस भी होता है। तो बेहतर ये है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई भी अच्छा सा वे प्रोटीन लें, उसे आप यूज़ करें। वे प्रोटीन कोई सा भी मास गेनर आप ले लें, अगर आप स्किनी है मास गेनर ले लें, अगर आपने कोई अपना थोड़ा मसल के मसल को शार्प करना है तो उस हिसाब से आप वे प्रोटीन ले लें। मार्केट में आपको अच्छे अच्छे से अच्छे ब्रांड मिलेंगे, लेकिन फिर यही कह रहा हूँ कि ये जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, इसमें आप वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन अगर आप यूज़ करते हो, कोई मास गेनर वगैरह यूज़ करते हो, तो आप स्टिल नेचुरल बॉडी बिल्डर। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ प्रोटीन लेने से आपको कोई कहेगा कि आप अननेचुरल बॉडी बिल्डर हो, आपने कोई गलत चीज़ यूज़ करी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप स्टीराइड यूज़ नहीं करोगे, आप नेचुरल ही हो, अपने माइंड में ये बिठा लेना आपने। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि यार अगर मैं प्रोटीन यूज़ करूँगा तो मसलन के दूसरे लोग कहते हैं यार तेरी बॉडी इसलिए बनी है कि तूने प्रोटीन यूज़ किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन यूज़ करने से ही बॉडी नहीं बनती, जब तक कि आपको वर्कआउट ना करें और उस प्रोटीन से हटके आपकी डाइट प्लान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए, जो कि आपको आपके जो प्रोटीन अगर आप यूज़ करते हैं उसको हेल्प आउट करेगा। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी जिसकी पॉकेट गुंजाइश उसके पास है, उसका पॉकेट उसके साथ देती है, तो ज़रूर थोड़ा बहुत प्रोटीन आप यूज़ करें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म के, ये नेचुरल बॉडी बिल्डर ही वो यूज़ करते हैं, आप नेचुरल बॉडी बिल्डर ही रहोगे, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कोई गलत चीज़ यूज़ करी है। क्योंकि सिर्फ प्रोटीन लेने से मसल नहीं बने आते, जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे और अपनी डाइट प्लान अच्छी नहीं रखोगे। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि स्टीराइड से दूर रहें, किसी भी फॉर्म में हो, इंजेक्शन है, टैबलेट है, लिक्विड फॉर्म है, आपने इससे दूर रहना है। नेचुरल बॉडी बनानी है आपने, अपने आप को फिट रखना है।